मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सालू सिंह फ्रॉम यस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सौरमो सुल्तानपुर। टुडे आई विल टीच यू वॉलीबॉल कोर्ट मेजरमेंट। आज हम आपको वॉलीबॉल के कोर्ट की मेजरमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे वॉलीबॉल कोर्ट का लेंथ एंड विड्थ। लेंथ मीन्स उसकी इन लाइन क्या होगी एंड विड्थ उसकी इन लाइन क्या होगी एंड लेंथ उसकी साइड लाइन क्या होगी। वॉलीबॉल में साइड लाइन की लंबाई कितनी होगी एंड विड्थ उसकी चौड़ाई कितनी होगी। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे विड्थ। 9 मीटर विड्थ होती है वॉलीबॉल में एंड लेंथ वॉलीबॉल कोर्ट का जो लेंथ होता है जो उसकी साइड लाइन बोली जाएगी वो 18 मीटर की साइड लाइन होती है। वॉलीबॉल में जो लेंथ होगी जो साइड लाइन होगी वो 18 मीटर्स की साइड लाइन होती है एंड विड्थ 9 मीटर की होगी। अब इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सेंटर लाइन में। तो हम इसे सेंटर लाइन में डिवाइड करेंगे 9 मीटर से। हम इसे सेंटर लाइन से डिवाइड करते हैं, इसे हम सेंटर लाइन बोलते हैं। ये हमारी साइड लाइन हो जाती है ये साइड लाइन कही जाएगी एंड ये इंड लाइन बोली जाती है और इसे सेंटर लाइन कहते हैं। सेंटर लाइन। अब हम देखेंगे स्टूडेंट सेंटर लाइन टू अटैक लाइन डिस्टेंस। सेंटर लाइन टू अटैक लाइन डिस्टेंस 3 मीटर। 3 मीटर पे सेंटर लाइन से अटैक लाइन की जो डिस्टेंस होगी जो दूरी होगी वो 3 मीटर पे होगी, इसे अटैक लाइन बोला जाता है। अटैक लाइन। अब अटैक लाइन की जो इस साइड जो डिस्टेंस होती है सेंटर लाइन टू अटैक लाइन की जो साइड बीच में डिस्टेंस होती है इसको फ्रंट जोन एरिया बोलते हैं। फ्रंट जोन बोला जाता है फ्रंट जोन एंड इसे बैक जोन बोला जाता है बैक जोन। बैक जोन एरिया हमारा कितने मीटर का रहेगा, तो बैक जोन एरिया मेरा 6 मीटर का रहेगा। वॉलीबॉल में 6 मीटर का बैक जोन एरिया होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ कितनी होगी, तो 18 मीटर होगी एंड इंड लाइन विड्थ उसकी कितनी होगी, तो 9 मीटर होगी और 9 मीटर से ये हाफ हाफ में डिवाइड होता है। सेंटर लाइन टू अटैक लाइन डिस्टेंस जो होगा वो 3 मीटर होगा और 3 मीटर अटैक लाइन टू इंड लाइन जो डिस्टेंस होगी अटैक लाइन टू इंड लाइन जो डिस्टेंस होगी वो 6 मीटर की होगी और अटैक जो सेंटर लाइन टू अटैक लाइन होती है उसकी बीच की जो दूरी होती है उसको फ्रंट जोन एरिया बोला जाएगा और जो 6 मीटर अटैक लाइन टू इंड लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो बैक जोन एरिया उसे कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स अब इसमें हमने देख लिया कि अटैक लाइन हमारी कितनी मीटर्स पे होगी एंड इंड लाइन कितनी मीटर्स पे होगी, तो 3 मीटर पे हमारी अटैक लाइन होती है और 6 मीटर पे हमारी इंड लाइन होती है। अटैक लाइन टू इंड लाइन 6 मीटर पे होगी। तो अब हम इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स पोल लगे होते हैं, कितने मीटर्स पे हमारे पोल लगे होंगे। साइड लाइन से जो पोल लगे होते हैं वो 1 मीटर पे लगे होते हैं। 1 मीटर पे पोल लगे होते हैं, कितने पे लगे होते हैं, तो 1 मीटर पे साइड लाइन से जो डिस्टेंस होगी पोल की वो 1 मीटर पे होगी। दोनों साइड 1 मीटर पे पोल लगे होते हैं। तो अगर पोल टू पोल डिस्टेंस की बात की जाएगी तो 11 मीटर होगा। अगर पोल टू पोल डिस्टेंस की बात की जाएगी तो 11 मीटर होगा और अगर साइड लाइन से डिस्टेंस की पोल की डिस्टेंस की बात की जाएगी तो 1 मीटर इसका साइड लाइन से पोल की जो डिस्टेंस होगी वो 1 मीटर पे होगी। सो स्टूडेंट्स
अब ये हमने देख लिया कि हमारे कोर्ट की कितनी लेंथ एंड विड्थ होगी। अब हम देखेंगे इसमें सर्विस जोन एरिया। सर्विस जोन एरिया जो होता है हमारा, जो चूना पड़ता है वो डैश डैश करके डाला जाता है, वो डैश डैश करके डाला जाएगा, और उसकी जो डिस्टेंस होगी वो 3.8 मीटर, ये हमारी सर्विस जोन एरिया होगी। सर्विस जोन होगा, यहाँ से हम सर्विस कर सकते हैं। सर्विस जोन एरिया होता है कितने मीटर्स पे, कितने मीटर्स का होता है सर्विस जोन एरिया, तो 3.8 मीटर पे सर्विस जोन एरिया होती है। और अब यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ ये हमारे फ्री जोन एरिया होते हैं, जहाँ पे रेफरी वगैरह खड़े होते हैं, अंपायर लगे होते हैं, स्कोरर बोर्ड लगे होते हैं, इसको, इस एरिया को क्या कहा जाता है, तो फ्री जोन एरिया बोला जाएगा। फ्री जोन एरिया जो होगा वो होगा साइड लाइन से फ्री जोन एरिया की जो डिस्टेंस होगी वो 3.5 मीटर्स पे होगी। जो साइड लाइन से फ्री जोन एरिया का एंड होता है वो 3.5 मीटर्स पे होगा, सर्विस जोन एरिया का जो एंड लाइन होगा वो 3.8 मीटर्स पे होगा, ये सर्विस जोन एरिया होता है। तो अब हमने इसमें देख लिया कि हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, साइड लाइन कितने पे होगा, पोल कितने मीटर्स पे होंगे, सर्विस जोन एरिया कितने मीटर का होगा। अब हम देखेंगे इसमें प्लेयर्स रोटेशन। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रोटेशन, तो रोटेशन जो होता है वो हमारे प्लेयर्स नंबर वाइज खड़े होते हैं, और एंटी क्लॉक वाइज वो खड़े होंगे एंड क्लॉक वाइज वो रोटेट होते हैं। तो हम देखेंगे कि खड़े कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे इसमें रोटेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम इसे इरेज कर देंगे। अब हम देखेंगे इसमें हमारे प्लेयर्स खड़े कैसे होते हैं। तो सबसे पहला जो प्लेयर होगा वो बैक जोन एरिया में खड़ा होगा। नंबर फर्स्ट का प्लेयर जो होगा वो बैक जोन एरिया में होगा। नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स प्लेयर हमारे होते हैं। अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो टोटल प्लेयर्स जो होंगे वॉलीबॉल में वो 12 प्लेयर होते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स की भी बात की जाए टोटल प्लेयर्स की, तो 12 प्लेयर होते हैं, और 6 प्लेयर हमारे ग्राउंड पे, हमारे कोर्ट पे प्लेइंग प्लेयर होते हैं जो खेलते हैं। तो हमने बताया आपको 6 प्लेयर हमारे खेलते हैं, जो रोटेशन वो एंटी क्लॉक वाइज खड़े होंगे और क्लॉक वाइज वो रोटेट होंगे। तो सबसे पहला प्लेयर हमारा बैक जोन एरिया में होगा, सेकेंड फ्रंट जोन एरिया में, थर्ड फ्रंट जोन एरिया में, फोर्थ फ्रंट जोन एरिया में, फिफ्थ बैक जोन एरिया में, सिक्स बैक जोन एरिया में। तो अब हम देखेंगे कि हमारे प्लेयर्स कैसे रोटेट होते हैं। अब ये खड़े कैसे हुए हैं, तो ये खड़े हुए हैं एंटी क्लॉकवाइज खड़े हुए हैं, ये देखिए ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में खड़े हुए हैं। अब ये रोटेट कैसे करेंगे, तो ये रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज में करेंगे। तो जो पहला नंबर का खिलाड़ी होगा वो किस पे जाएगा, वो फिफ्थ पे जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सिक्स नंबर का प्लेयर है उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन लिब्रो की पोजीशन होती है, वो अपनी जगह से चेंज नहीं हो सकता है, ना ही लिब्रो सर्विस कर सकता है, वो सर्विस भी नहीं कर सकता है, उसकी पोजीशन बैक जोन में ही रहती है, वो फ्रंट जोन एरिया में नहीं जा सकता है। तो जो जब रोटेशन होगी तो जो नंबर फर्स्ट का प्लेयर होगा वो फिफ्थ पे जाएगा, फिफ्थ वाला फोर पे, फोर वाला थर्ड पे, थर्ड वाला टू पे, और टू वाला वन पे, और ऐसे ही करके सारे प्लेयर्स रोटेट होते रहेंगे, लेकिन लिब्रो की जो पोजीशन होगी वो नहीं चेंज होगी, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रोटेशन कैसे होता है और प्लेयर्स कैसे खड़े होते हैं। तो हम इसमें आपको बता दें कि कौन सी पोजीशन पे, जिस नंबर पे खिलाड़ी रहते हैं उनकी क्या पोजीशन होती है, उनके क्या नेम होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो इनवर्सल होता है, वो इनवर्सल होता है, और जो नंबर सिक्स का होगा वो लिब्रो होगा, जो पहला होगा वो यूनिवर्सल होगा, वो यूनिवर्सल कहा जाएगा, और नंबर सिक्स पे जो होगा वो लिब्रो।
उसको लिब्रो बोलेंगे। नंबर फिफ्थ पे जो होगा वो सेटर होगा। नंबर फोर्थ पे जो होगा वो सेंटर, सेंटर अटैकर होगा। वो सेंटर अटैकर होगा। अटैकर होगा। और नंबर थ्री पे जो होगा वो सेंटर, सेंटर ब्लॉकर बोला जाएगा। नंबर थर्ड पे जो होगा वो सेंटर ब्लॉकर बोला जाएगा। और जो नंबर टू पे रहता है उसको राइट साइड अटैकर बोलते हैं। राइट साइड अटैकर बोला जाएगा, अटैकर। तो अब हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे जो नंबर वन पे रहता है वो यूनिवर्सल बोला जाएगा, और जो नंबर सिक्स पे रहेगा वो लिब्रो रहेगा। नंबर फाइव पे सेटर, नंबर फोर पे सेंटर अटैकर, नंबर थर्ड पे सेंटर ब्लॉकर, नंबर टू पे राइट साइड अटैकर बोला जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो हमारे प्लेयर्स होते हैं उनकी पोजीशन कैसे और क्या रहती है। तो जो लिब्रो रहता है वो क्या नहीं कर सकता है, वो सर्विस नहीं दे सकता है। जो लिब्रो रहेगा वो सर्विस नहीं दे सकता है, और ना ही वो फ्रंट जोन एरिया में आ सकता है। उसकी पोजीशन बैक जोन एरिया में ही रहेगी, और वो हमेशा अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये हमने देखा कि इसमें प्लेयर्स कैसे रोटेट करते हैं, इनकी इनकी डायरेक्शन कैसी होती है, ये खड़े कैसे होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे हमारे जो पोल तो लगे होंगे वो कितने डिस्टेंस पे लगे होंगे, और जो नेट बंधा होता है नेट कितने मीटर्स का होता है। अब हम देखेंगे इसमें नेट कितने मीटर्स का होगा। अब हम देखेंगे नेट कितने मीटर्स पे लगे होते हैं, नेट की हाइट क्या होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे पोल जो हमारे लगे होंगे वो जमीन से उनकी ऊंचाई, उनकी डिस्टेंस क्या होगी। तो जमीन से उनकी जो डिस्टेंस होती है पोल की वो होती है 2.5 मीटर। जो जमीन से पोल की ऊंचाई होती है किसकी, पोल की जो ऊंचाई होगी, जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 2.55 मीटर पे जमीन से पोल की ऊंचाई होती है, लगे होते हैं। और अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो नेट लगा होता है वो कितने मीटर्स का होता है, जो नेट लगे होते हैं वो कितने मीटर्स पे रहेंगे। तो साइड लाइन जो हमारी होती है वो 9 मीटर्स की होगी, और 1.1 मीटर्स पे इसके बाहर पोल लगे होते हैं, तो 11 मीटर्स पे हमारे पोल लगे होंगे। तो नेट बहुत ज़्यादा बाहर जाएगा, तो कितना जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा, तो 9.50 मीटर्स पे हमारे नेट की जो लेंथ होगी, नेट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 9.50 मीटर्स का हमारे लेंथ होगी, किसकी, नेट की लेंथ होगी। तो अब हम देखेंगे इसकी ब्रेथ कितनी होगी। तो ब्रेथ जो होती है नेट की, अभी तो हमने देखा कि लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ होगी 9.50 मीटर्स पे, और ब्रेथ कितनी होगी, तो ब्रेथ 1 मीटर होगी, किसकी, नेट की, 1 मीटर ब्रेथ होगी, 1 मीटर ब्रेथ होगी नेट की। अब हम देखेंगे बॉक्स कितने होते हैं, तो उसमें बॉक्स भी बने होते हैं। एक बॉक्स कितने सेंटीमीटर का होगा, तो एक बॉक्स 10 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है। टोटल बॉक्स कितने होंगे, तो टोटल बॉक्स
1000 होंगे, 1000 बॉक्स होते हैं नेट में। अब हम देखेंगे इसमें कि मेंस मेंस की जो नेट की जो जो नेट लगे होते हैं पोल में, उनकी जमीन से उनकी कितनी ऊंचाई पे लगे होंगे। तो जो मेंस के नेट लगे होते हैं वो जमीन से उनकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 2.43 मीटर। ये मेंस के लिए हो गई, ये मेंस के लिए है। और वुमेन्स के लिए होती है 2.24 मीटर, ये वुमेन्स के लिए है। ये किसके लिए है, ये वुमेन्स के लिए है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेट की जो हाइट होगी वो जमीन से बॉयज के लिए, मेंस के लिए कितनी होगी, 2.43 मीटर, और वुमेन्स के लिए 2.24 मीटर। ये हमारे बॉक्सेस लगे होते हैं। और बॉल का जो वजन होता है वो 260 ग्राम का होता है। सो स्टूडेंट्स, इस नेट में एंटीना का भी यूज होता है। अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एंटीना का यूज किस गेम में होता है, किस गेम से होता है, किस गेम से रिलेट करता है, तो एंटीना से ही रिलेट करता है। एक वन कितने एंटीना कितने मीटर का होगा, तो एंटीना आपका होता है 1.18 मीटर का एंटीना होता है। तो एंटीना ये 1 मीटर नेट में पोल में लगे होते हैं, और 80 मीटर ये बाहर निकले होंगे। 80 मीटर जो बाहर निकले होते हैं वो 2 कलर्स में होते हैं, वाइट एंड रेड। 80 मीटर जो बाहर निकले होंगे वो 2 कलर्स में रहेंगे, वाइट एंड रेड। और 1 मीटर पोल में ही लगे होते हैं, नेट में ही लगे होते हैं। तो एंटीना का यूज किस में होता है, तो एंटीना का यूज वॉलीबॉल में होता है। कितने मीटर्स का होता है, तो ये 1.80 मीटर का होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।